हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सी थ्योरी सी थ्योरी के अंदर ही हम खोसला थ्योरी एंड ब्लिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कैनाल इरिगेशन के बारे में जैसे कि टाइप्स ऑफ कैनाल डिज़ाइन ऑफ कैनाल कैनिडीज थ्योरी डाइवर्जन हेडवर्कस के बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा सो सी पी से पहले हम देख लेते हैं परमेबिलिटी क्या होती है सो so, क्या होती है ये परमेबिलिटी ये एक सॉइल की प्रॉपर्टी है जो कि वाटर फ्लो को अलाउ करती है सॉइल के अंदर अब ये जो वाटर फ्लो होता है दिस फिना इज नॉन एज सीपेज ठीक है तो सीपेज क्या हो गया सीपेज इज द स्लो स्केप ऑफ फ्लूड कहाँ से पोरस मटेरियल या स्मॉल होल्स के अंदर से इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक्स मेन एम क्या होता है सीपेज को पढ़ने का टू फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ सीपेज थ्रू एंड बिनीथ द स्ट्रक्चर टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर फाउंडेशन एंड पाइपिंग फेलियर टू फाइंड अप लिफ्ट प्रेशर अंडर द स्ट्रक्चर जनरली जो हमारे सी बी एस थ्योरी है ये टू टाइप्स की होती है ब्लिक्स थ्योरी एंड खोसला थ्योरी आज हम ब्लिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे ब्लिक्सक्रिप्ट थ्योरी के बारे में आगे की फर्दर वीडियोज में हम खोसला थ्योरी के बारे में देखेंगे सो so, ब्लिक्सिप थ्योरी क्या थी तो नाइनटीन हंड्रेड टेन में एक डब्लू जी ब्लिक थे उन्होंने हमें ये क्रीप थ्योरी दी थी ठीक है इसीलिए इसका नाम ब्लिक क्रीप थ्योरी है उन्होंने इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था कि किसी भी स्ट्रक्चर के बॉटम में जब वाटर क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो वो क्रॉलिंग करते टाइम वाटर एक पाथ को फॉलो करता है एंड जिस पाथ पे वो क्रॉलिंग करता है उसको लेंथ ऑफ क्रीप या क्रीप लेंथ कहते हैं जैसा आप अभी फिगर में देख रहे हैं तो जो ये हाईलाइटेड लाइन है जो कि वाटर ने पाथ फॉलो किया है इस लेंथ को नाउ ये जो वाटर है ये अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम द मतलब क्रीप करता है तो जब ये वाटर अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम करता है क्रीप करता है उस टाइम पे इसमें कुछ हेड लॉस होते हैं तो जो ये हेड लॉस होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बाई क्रीप ठीक है अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हम टोटल लेंथ ऑफ क्रीप को कैसे फाइंड आउट करेंगे सो इन दिस फिगर जो ये हमारा एच एल है वो हमारा हेड लॉस है बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड जो एल है ये हमारा लेंथ ऑफ क्रीप है सो लॉस ऑफ हेड पर यूनिट ऑफ क्रीप लेंथ विल बी एच एल बाई एल इन टू एल इज कॉल्ड हाइड्रोलिक रेडियंट हाइड्रोलिक रेडियंट को हम आई से भी डिनोट करते हैं नाउ वी फाइंड द क्रीप लेंथ एल इज इक्वल टू डी वन प्लस डी वन प्लस एल प्लस डी टू प्लस डी टू प्लस एल टू प्लस डी थ्री प्लस डी थ्री इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ये हमारा आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू बी प्लस टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री ये हमारी इक्वेशन वन आ जाएगी जहाँ कि पे हमारा जो डी वन है वो डेप्थ ऑफ अपर स्ट्रीम है डी टू हमारा डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम है डी थ्री हमारा इंटरमीडिएट पाइल्स है पाइल्स जो, uh, जो हैं उनकी डेप्थ है ठीक है नाउ लॉस पर यूनिट लेंथ या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये क्या है हमारे हेड लॉस हमारा कितना आएगा एच एल बाई एल तो एच एल बाई एल हमारी वैल्यू ऊपर आई थी अभी हमने निकाला था इक्वेशन वन में हम वो पुट कर देंगे ठीक है तो हमारा हेड लॉस कितना आ जाएगा एच एल बाई एल इंटू टू डी वन फिर एच एल बाई एल इंटू टू डी टू थर्ड इज एच एल बाई एल इंटू टू डी थ्री तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकली लेंथ ऑफ क्रीप हम कैसे निकालते हैं ब्लिक्स थ्योरी में ब्लिक्स क्रीप थ्योरी में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आगे की वीडियो में हम खोसला थ्योरी के बारे में देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल